अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कुटीश डाई। आज मैं बनाने लगी हूँ गाजर का हलवा। विंटर्स हैं, उसमें हलवे हमें ज़रूर खाने चाहिए। हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। इस टाइम पर हलवा खाना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो मैं यहाँ पर गाजर को अच्छे से पील कर लिया था मैंने, और फिर उसके मैंने छोटे टुकड़े करके अब मैं इसको चॉपर में डालकर चॉप कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे ग्रेट कर लें, लेकिन मैं थोड़ी जल्दी में थी तो मैंने इसे चॉपर में चॉप कर लिया है। ग्रेट करने से इसका लुक और भी बहुत ही खूबसूरत आता है, लेकिन ये इस तरह से भी ये अच्छा ही बन जाता है। तो नियरली यहाँ पर हाफ किलो से ज़्यादा ही, नियरली 700 ग्राम्स गाजर मैंने लिए थे, और मैं अब इसको अच्छे से चॉप करके फिर हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी न्यू व्यूअर्स रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कर दें, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन से आप बराबर से अपडेटेड। चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए आप, कढ़ाई मैंने रख दी थी गर्म होने के लिए, और मैं नियरली 1.5 टेबल स्पून घी के ऐड कर रही हूँ इसमें। घी के गर्म होते ही मैं चॉप किया हुआ गाजर इसमें ऐड कर दूंगी। फिर गाजर के डालते ही हम इसको 3 से 4 मिनट तक सॉटे करके थोड़ी देर के लिए 5 मिनट तक हम इसको कवर कर देंगे। तो 5 मिनट के बाद देखें, ये अच्छे से सॉटे हो चुका है। मैं इसमें ऐड कर दूंगी नियरली 1 मग मैंने ऐड किया है यहाँ पर। 250 ग्राम्स मिल्क मैंने ऐड किया, और ज़रूरत पड़ेगी तो फिर मैं ऐड कर लूँगी थोड़ा सा और। बेसिकली ये गाजर को टेंडर करने के लिए मैंने ऐड किया है, और फिर इसमें हम थोड़े से कटे हुए पिस्ताचियोस और आलमंड्स ऐड कर देंगे। चाहे तो आप रेजन्स भी ऐड कर लें, लेकिन मैं उतना पसंद नहीं करती रेजन्स को गाजर के हलवे में, इसीलिए मैंने ऐड नहीं किया है। आपको पसंद हो आप ऐड कर लें। ये देखिए अच्छे से गाजर अब ये टेंडर हो चुके हैं। नियरली 5 to 7 मिनट्स लगे इनको टेंडर होने में, मैंने स्लो पर रख दिया था, और फिर मैंने इसमें ऐड कर दिया है 1/2 कप से थोड़ा सा कम शुगर, क्योंकि शुगर मैं ज़्यादा नहीं लेती, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लें। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नियरली 100 ग्राम्स मलाई, और साथ में ऐड करूँगी नियरली 2 टेबल स्पून कंडेंस्ड मिल्क। अच्छे से मिक्स करके हम इसको स्लो पर रख देंगे अब, और जब तक कि ये सारा मलाई और कंडेंस्ड मिल्क ड्राई ना हो जाए, हम इसको कवर करके रख देंगे। देखें नियरली 5 मिनट्स बाद ये मलाई और जो कंडेंस्ड मिल्क हमने ऐड किया था अच्छे से वो ड्राई हो चुका है। अब इसमें आप चाहें तो आप इलायची पाउडर ऐड कर लें। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा वनीला एसेंस ऐड किया है, और नियरली 2 टेबल स्पून मैं यहाँ पर फिर से ऐड कर रही हूँ घी के। इस तरह करने से, घी ऐड करने से लास्ट में हम जो ऐड करते हैं उससे बहुत ही शाइनिंग आती है हलवे पर, और बहुत ही टेस्टी लगता है। और इसको हमें अच्छे से सॉटे करते रहना है जब तक कि घी कढ़ाई से सेपरेट होने लगे। तो यहाँ देखें ये परफेक्टली रेडी है, और घी भी कढ़ाई छोड़ चुका है साइड से, और बस अभी रेडी है सर्व करने के लिए। चलिए मैं सर्व करके आपको दिखाती हूँ। बहुत ही टेस्टी बना है ये, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
देखिए मैंने सर्व कर दिया है वो सर्विंग बोल में और बहुत ही डिलीशियस बना है ये। कितना टेम्पटिंग लग रहा है, आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ज़रूर ट्राई करें। मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ फिर एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।